हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज जल्दी उठ गए हैं क्योंकि कल जल्दी ही सो गए थे। रेस्ट करने का फ़ायदा मिला है हमको। और अभी चलते हैं बाहर। अभी अपना एक फ्रेंड आया हुआ है, उस फ्रेंड का कोई साथ में एक और फ्रेंड आया हुआ, तो उनका मेरे को कल से फ़ोन आ रहा है। तो अभी घर के बाहर ही हम लोग, तो उनसे मिलते हैं पहले। यार मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा था। तो चलो उनसे मिलते हैं और तुम्हें भी दिखाता हूँ कौन सी बुला रहा है, कौन सा मॉडल है, क्या है, कैसी बनाई है भाई ने। तो लेट्स गो गाइस। शहर गुलाबी, ये देखो, मुझे देख के ना अचानक कैसे पॉज हो जाता है। देखो कौन सी लच गया है, जब तक मैं इसको कुछ बोलूंगा नहीं ना, रोमे वो मत तब तक ये हिलेगा नहीं। बुद्धि की चोरी की देवर, क्या मर्जी को वो कमें। हो गया स्टैचू खत्म। कैसा है बाबा, ये देखो ट्रिप के लिए इसके मन से वो ब्रेन है, मेरे को मतलब वो मेरा अच्छा अच्छा क्या बात है, क्या बात है, इतने नाटक क्यों रहे, इतने नाटक क्यों रहे यार। ओहो, इस पर कहाँ इतनी मक्खियाँ बैठी हैं। कैरियर का पेंट सूख गया, ठीक ही लग रहा है, यही सूख गया। तो गाइस अपने आ रखे हैं भाई अपने से मिलने सारे। तो ये खड़े अपने सारे भाई, और भाई की भी बोलारो खड़ी है सामने, जो आइए बनारस से ना भाई। तो इस गाड़ी में काम वहीं से हो रखा है, तो भाई को अपनी बोलारो देखनी थी, वो तो अपन ने देख ली। ड्राइव ड्राइव भी साथ में करके आ गए। और भाई की गाड़ी का ये स्टिकर लगा है भाई, बहुत बढ़िया, ये स्टिकर अपनी गाड़ी पर भी लगवाएंगे हम। तनिष भाई, तनिष भाई, तनिष भाई भी आ गए, भाई को मिलना भी था। तो भाई अब दूसरा सीन कब बनाएंगे साथ में, चलेंगे ऑफ रोडिंग जब भी आप बोलो, ठीक है। बाकी इसमें अब रिम डाल दो ऑफ रोड वाले, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। और शाश्वत भैया, भैया आप आए, बड़ा अच्छा लगा भैया। तो क्या सीन है फिर, आज देखेंगे कुछ, रात में करते हैं पार्टी का प्लान, अच्छा बैठेंगे। हाँ बाकी तनिष भाई भी आ गए, हाँ सबको बुला लो तुम। तनिष भाई भी आ गए, सब बॉयज के साथ खड़े होते हैं। भाई इससे भी मिले थे, तनिष भाई आए थे, तनिष भाई के साथ जाके सैफी भाई से मिल लिए। और तनिष भाई भी जा चुके हैं, सैफी भाई भी जा चुके हैं। व्लॉग नहीं बनाया उस टाइम क्योंकि लॉन्डे बातें कर रहे थे पर्सनल, कुछ तनिष भाई को काम भी था अपने से, तो उस बारे में बातें चल रही थी। बाकी अब मैं निकल गया हूँ वापस गाड़ी लेके, क्योंकि मेरे को आया है दिमाग में आइडिया, हम हैं सिर्फ दो ही जने इस बार ट्रिप में, मतलब इस गाड़ी में। तो मैं सोच रहा हूँ पीछे वाली सीट हटा दूँ, परफेक्ट सीन है वो, पीछे की सीट हटा देता हूँ और कुछ डालता हूँ इसमें, गद्दे वद्दे फेंक देता हूँ पीछे भाई, बढ़िया एक नंबर लगेगी गाड़ी, और कंफर्टेबल भी कंफर्टेबल। फिर लद्दाख क्या कहीं, मतलब कहीं जाओ फिर कहीं पहाड़ों पे, नहीं लगने तो बहुत छोटी इसके मुकाबले। ये वो सीन हो गया, सीट हटा के इसे घर पे निकाल लेंगे, बाकी बोल्ट वोल्ट तो वापस लगा दियो वहीं, क्योंकि नीचे से धूल आ जाती नहीं तो। और बाकी देखते हैं घर जाके क्या इसका सेटअप होता है, मेरे पास वाला पाना नहीं था, नहीं तो घर पे खोल देता सीट तो मैं, ये वाला। तो लेट्स सी, आज ये वाली वायरिंग भी इसकी मैं निकाल दूंगा, ये पहले वाली बेस ट्यूब की साउंड सिस्टम की वायरिंग है, बट अब अपने को इसकी ज़रूरत नहीं है, पर ये ज़्यादा निकल नहीं रही। तो लेट्स सी यहाँ से खोलते हैं इसे, बाकी अब देखते हैं इसमें इंतजार भाई कैसे बनेगा घर पर जाके सेटअप, पहले तो सफाई होगी इसकी। यहाँ डालिए मैटर ठोकने का, मैटर 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 मैटर, अपनी मैटर सूख गई है कि नहीं, हम देते हैं थोड़ी देर और सूख जाएगी ये सारी, फिर डाल के फिर करता हूँ, फिर बताता हूँ आगे का सीन। तो गाइस मैट्स वैट्स अंदर डाल के बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमारा कुछ क्लीन सेटअप, पीछे से दिखाता हूँ।
बढ़िया लग रही है, बढ़िया। मतलब मैं इसे कैसे भी यूज़ कर सकता हूँ इस जगह को, समझ रहा हूँ। वहाँ पर अगर मैं एक मोटा गद्दा टाइप का डाल दूँ तो ये वहाँ तक लेवल हो जाएगा पूरा एक। फिर एक लेवल होने के बाद तो यहाँ पूरा कुछ भी बना लूँ कंपार्टमेंट में अपना। दो अपनी सीटें आगे लगी है और एक नंबर में। बढ़िया बढ़िया रील्स बनी है इसमें। यहाँ से अंदर से ना ऐसे डिग्गी का दरवाज़ा खोल के पहाड़ी की तरफ, नाइस। तुम्हारे भाई का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। तो ये देख लो गाइस, और अभी भी दिस इज़ नॉट कम्प्लीट। इस पर मैं क्या करूँगा, अभी ये बेस ट्यूब ना यहाँ साइड में कर दूँगा और यहाँ पे एक सिंगल सीधा गद्दा तो आ ही जाएगा आराम से। तो ये ऐसा कुछ लग रहा है, काफ़ी रिलैक्सिंग, काफ़ी कंफर्टेबल, नाइस। देख रहे हो क्या, देख रहे हो क्या, अलग ही पहाड़ों पे तो मस्त लगेगा ये। आगे से अपनी दोनों सीट ये रही, पीछे का ऐसा कुछ सेटअप। ये सब आइटम जरूरी है बॉस, अपने पास दो बार पड़े काम आएंगे आगे। और तुम लोग को फाइनल सेटअप देखना है क्या अंदर, अभी देखो। आलीशान आलीशान, अरे देख रहे हो, ये एक लेयर दो कालीन भी बिछी है और वहाँ पे भी दो गद्दे हैं, नाइस, परफेक्ट ब्रो, परफेक्ट सेटअप। और अब सीन ये है कि हम निकल रहे हैं, अपनी ट्रिप ऑन हो चुकी है। आज जहाँ तक भी पहुँचेंगे देखते हैं, स्टे ट्यून। गाड़ी अपनी ये रही, काला बाइक मैंने उसी ऑफ करने आ चुका है और सीन तुम्हें दिखाऊंगा गाड़ी के अंदर का। ये देखो भाई, इतना ही सामान है, सेटअप यहाँ है, ये बैठिए आगे और बाकी आगे की रिपोर्ट आगे बताते हैं। स्टेपनी भी मैंने लगा दी है पीछे, मैंने कहा क्योंकि टायर अपना सही था ना, कहीं ज़रूरत भी पड़ी है कुछ तो जो भी है यहाँ रहेगा, बाकी ये सीन है। उड़ा दे मुझे, चल रहा है लद्दाख, चल रहा है क्या लद्दाख, क्या किसके कार के प्रोटोटाइप ओवरलैंड, पानी तो पानी तो भी लेना है भाई, पेट ही पूरा। तो देहरादून से तो ऑलमोस्ट बस निकल ही गए हैं गाइस, रजिया चौक से लेफ्ट होंगे तो देहरादून फिर छोड़ ही रहे हैं। बाकी आए थे अभी जियो में रुके थे क्योंकि पोस्ट पेड सिम लेना है, एक प्रीपेड ऊपर चलेगा नहीं, अब चाहे एक दिन में एक्टिवेट हो कभी भी हो, लेकिन सिम एक्टिवेट कराना ज़रूरी है। मिल जाएगा ना यहीं पे, उसमें तीन चार। तो जो भी लोग जा रहे हो भाई लद्दाख वद्दाख गाइस, तो ये चीज़ देख लेना, जियो का पोस्ट पेड सिम चाहिए तुम्हें वहाँ पर, बढ़िया यही चलता है। और इसमें कुछ ऐसे प्लान हैं तो अपने हिसाब से ले लेना और कर लेना, लेकिन इसमें क्या था सिक्योरिटी व्योरिटी लगती है। जैसे 599 वाला है ना, तो ये पोस्ट पेड 850 में तुम्हें मिल जाएगा, जब तुम पोस्ट पेड बंद करोगे 300 रुपये वापस आ जाएंगे, तो ये भी तुम्हें बता दिया। और ये बढ़िया टिप है, इसे गांठ बांध लो, तुम्हारा एयरटेल प्रीपेड प्रीपेड कुछ नहीं चलना है वहाँ ऊपर, तो पोस्ट पेड सिम ले लेना, चाहे अपने एयरटेल को पोर्ट करा देना वापस पोस्ट पेड पर, ये ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी वाला सीन हो जाता है, इसलिए वहाँ प्रीपेड नंबर अलाउड नहीं है। बाकी पुष्पा बिल्कुल चमचमाती हुई यहाँ खड़ी है। देहरादून से अपने और भी लड़के निकल रहे हैं, शैलांश भाई भी निकल रहे हैं जो 20 नंबर था रहे, और एक 18 नंबर जो हमारे साथ ऑफ रोड में जाती है वो भी निकल रही है, लेकिन वो बॉय जाएंगे सहारनपुर होते हुए, कहीं अपने को मिले आगे तो मिल जाएंगे, अपन दोनों तो अलग ही है, बाकी देखो कहाँ पहुँचते हैं। तो भाई शहर से निकले हुए 5 मिनट भी नहीं हुआ और ये हाल देख लो, यहाँ देख सक रहे हो तुम, यही चल पाएगा बस। तो हम पहुँचने वाले हैं पंचकूला गाइस, और पंचकूला से अब कट जाएंगे सीधा अपने मनाली हाईवे पे। उससे पहले तुम्हारे भाई ने सोचा ज़रा इसका पॉल्यूशन करा लिया जाए, क्योंकि इसका पॉल्यूशन ख़त्म हो गया, मैंने करवाया था लास्ट ट्रिप में, तो भाई कर रहा है पॉल्यूशन, सो रहा था उठा दिया उसे भाई को।
बाकी है पेट्रोल पंप के बाहर ही खड़े हैं। तेल मैंने अभी डीजल है, बाकी तेल मैंने अभी डलवाया नहीं है, 2,500 रुपये का ही डलवाया था देहरादून में, 3-4 बार आए थे अभी दिखाई रही है उसमें। हिमाचल एंटर करने के बाद फिर डलवाएंगे इसमें डीजल, क्योंकि वहाँ पर डीजल सस्ता है इसलिए मैंने वहाँ टैंक फुल नहीं करवाया, हिमाचल में टैंक फुल करवाते हैं। तो इसलिए गाइस अपन ने देहरादून में टैंक फुल नहीं करवाया था, और टाइम हो गया है 1 सेकंड 12:06 हो गए हैं और अपन ने हिमाचल एंटर कर दिया है। और यहाँ पे देखो तुम डीजल के रेट, ये देख रहे हो 88 हिमाचल एंटर करते ही। तो ये फ़ायदा हुआ अपने को तेल ना भरवाने का देहरादून में। और अभी भी 4 डंडे तो गाड़ी दिखाई रही है, अब मैं यहाँ से कर दूँगा ट्रिप ज़ीरो आई थिंक सब देखना। बाकी अभी कहीं पहुँचते हैं, आगे कहीं रुकते हैं, खाते वाते हैं, कुछ खावा लेते हैं और फिर उसके बाद तुमको ही मिलते हैं रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट में। अब रात की जर्नी में तो वैसे भी कुछ देखो रहता नहीं है खास, बट स्टिल थोड़ा बहुत जो करना है वो कर रहा तुम्हारा भाई ब्लॉग्स। तो यहाँ पे स्वारघाट वाली रोड पे गाइस हम रुके हैं, क्योंकि अपने सैलान भाई और बाकी बॉयज जो निकले थे देहरादून से वो भी ऑलमोस्ट पीछे पहुँचने वाले हैं, लाइव लोकेशन चल रही है, थोड़ा ही पीछे है वो हमसे, तो फिर हम 3 गाड़ियाँ हो जाएंगे यहाँ से, ठीक हो जाएगा। तो अभी खड़े हैं बस उनका ही वेट कर रहे हैं। बॉयज 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 आ चुके हैं स्वार घाट में, मिलन हो रहा है। बीस नंबर 18 नंबर और ये पीछे चल रही 17:81 रोड कर चुका है ब्लॉक बंद, ट्रक आ गया शाम ने जैसे लाज मैंने डाल दी गाड़ी वहाँ। और ये देखो स्पाइडरमैन का बैठा है, दिख नहीं रहा होगा अभी दिखाता हूँ, दिख रहा है क्या स्पाइडरमैन, दिख तो रहा है वो रहा, देख रहे हो 18 नंबर के ऊपर स्पाइडरमैन बैठा है। तो गाइस टाइम हो गया है 4:09 और पहुंच गए मंडी के बस अड्डे पे, ये रहा मंडी का बस अड्डा और ये अपना मैगी पॉइंट जहाँ हमेशा मैगी खाते हैं, बहुत बढ़िया मैगी बनाते हैं भैया। वो खड़ी है पुष्पा सामने, थार अपनी दोनों थोड़ा ही आगे खड़ी हैं क्योंकि वो आगे निकल गए थे मैंने। तो ये आ गई है अपनी मंडी की बेहतरीन मैगी अपने हाथ में, और अब चलते हैं सीधा पुष्पा पे, और अपनी दोनों थार खड़ी है आ गई, 2 टर्न आगे दोनों थार आगे खड़ी है। मैंने उनको वॉकी पे बताया कि रुक जाओ मैं मैगी लेने रुका हूँ, तो वो रुक गए थे, तो मिलते हैं आगे ब्रो। तो तुम्हें दिख रहा हो ना दिख रहा हो गाइस, बट मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह के बजे 5:15 और सूरज उग रहा है, देख लो पीछे पहुँचने वाले हैं। अभी चल रहा है वो जो टनल वाला रास्ता जो पूरा हाईवे बन रहा है ना नया एलिवेटेड, वो अपने लेफ्ट में चल रहा है। तो ये देख लो भाई सूरज उग चुका है पहाड़ों में, और सामने का व्यू देख लो जरा, बाकी अब थोड़ा और रुकने दो फिर आगे दिखाते हैं। तो टाइम हो गया है 6:00 हैं सुबह के गाइस, और ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हम मनाली, लाइक 30 किलोमीटर बचा होगा मनाली हाईवे आ गया, मनाली हाईवे क्या मतलब कुल्लू ही आ गया ऑलमोस्ट अब यहाँ से मनाली। और मैंने तो सोच चुकी है पीछे जाके जो अपन ने सेटअप बनाया था, बाकी तुम्हारा भाई देखो फुल पावर पर जा रहा है गाड़ी अभी भी, और इन्हें क्या हो गया यहाँ पर फोटो खिंचा रहे हैं भाई डिवाइडर पे भी, अभी जाओ भाई आगे। तो भाई अपने बॉयज तो अपने को मिल गए थे पीछे ही खड़े थे, पर उनका तो सीन ये है कि अभी ले निकल जाएंगे, तो मैंने कहा भाई ये इतना हार्ड तो तुम ही करो, मैं तो रुकने वाला हूँ मनाली में, मैंने तो वैसे ही पीछे सो रही है 2-2.5 घंटे से, तो अपन भी रुक जाएंगे कल जाएंगे हम ले, क्योंकि अपने को कोई ऐसी जल्दी हाई नहीं है, बॉयज़ का तो उनका देखा हुआ रास्ता है तो वो तो निकल जाएंगे कोई चक्कर नहीं, और वहाँ भी 2 गाड़ी में लौंडे लौंडे, तो अगर रुक जाता है तो मिलता हूँ प्रॉपर्टी में जाए। अरे भाई निकल जाइए वो लग रहा यहाँ से, निकल तो जानी चाहिए ब्रो, फक अरे भाई ये गिर ना जाए कुल,
हैं सुबह के और हम पहुंच चुके हैं मनाली।